नमस्कार दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज के बारे में, जो कि हिंदी बेल्ट में अब तक 50 करोड़ की कलेक्शन कर चुकी है। जबकि बॉलीवुड के बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये बोला था कि ये मूवी हिंदी बेल्ट में बिल्कुल नहीं चलेगी, ये मूवी बकवास है, फ्लॉप है, वाहियात है। उनके मुंह पे बहुत ज़ोरदार तमाचा पुष्पा ने लगाया है, क्योंकि जो कलेक्शन है ना, पूछो ही मत। 83 के शोज हटा कर पुष्पा का शो लगाना पड़ रहा है। बहुत से थिएटर वाले पुष्पा को नहीं लगा रहे थे, अब सब के सब थिएटर वाले पुष्पा को अपने थिएटर में लगा रहे हैं 83 का शो हटाकर। तो आप देख सकते हैं अल्लू अर्जुन की बिफोरिया कैसे। अभी तो द पुष्पा द रूल अभी बाकी है आना, अभी तो मतलब एक अलग ही लेवल पे उनका नॉर्थ इंडियन में फैन फॉलोइंग बन गई है। और जितने लोग मतलब सपोर्ट नहीं किए थे ना, अभी भी लोग आके सपोर्ट कर रहे हैं फिल्म का, तो बहुत अच्छी बात है। कलेक्शन कर रही है हिंदी बेल्ट में, और अल्लू अर्जुन का इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पुष्पा द रूल आएगी तो किस लेवल का बिफोरिया होगा। तो किसी मूवी के बारे में पहले बुराई करने से पहले 10 बार सोच लिया करो, तो फिर बुराई करनी चाहिए, क्योंकि अल्लू अर्जुन इज़ द ब्रांड, मतलब साला झुकेगा नहीं। तो बहुत हार्ड कलेक्शन कर रही है। आपकी क्या राय है पुष्पा के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।